हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने बात करी थी ब्रीदिंग के बारे में, राइट? कल अपन ने ब्रीदिंग के बारे में बात करी थी। वी हैव सीन ब्रीदिंग इन, एंड वी हैव ऑल्सो सीन ब्रीदिंग आउट। आज अपन बात करेंगे काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इट मींस द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। इन अनदर वर्ड वी कैन से फूड का किस में कन्वर्ट होना? एनर्जी में। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर फूड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। अभी प्रोसेस जनरली एयर की प्रेजेंस के अंदर होती है। एयर की प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पे ही रेस्पिरेशन दो काइंड का होता है। नंबर वन इज एरोबिक, राइट? एरोबिक के बारे में देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? एरोबिक इन द सेंस ऐसा रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस के अंदर हो रहा है? एयर की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है, या फिर ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बट किसकी प्रेजेंस के अंदर? एयर के अंदर, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर इक्वेशन देखें तो फूड C6H12O6, वी आर रेस्पायरिंग, इट मीन्स टेकिंग ऑक्सीजन, राइट? दैट प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन साइड द सेल और माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? अब क्या होता है कि फूड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एटीपी। एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, या इट इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। एक जो है बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑलराइट? दैट रिएक्शन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इट मींस दिस फूड इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी के अंदर, बट दिस इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। किसकी प्रेजेंस के अंदर हो रहा है? एयर की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है। दैट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में पाया जाता है। इन मोस्ट ऑफ द ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की ही प्रोसेस पाई जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें सेकेंड काइंड, दैट इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन इट मीन्स रेस्पिरेशन हो रहा है बट एन इन द सेंस एब्सेंस, एरोबिक इन द सेंस एयर, एयर की एब्सेंस के अंदर हो रहा है। अब एयर की एब्सेंस के अंदर भाई फूड कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है वो भी अपन देख लेते हैं। ये लो भाई फूड है C6H12O6। कोई जो है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज ऑब्वियसली ATPs। इसके अलावा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? अल्कोहल प्लस CO2। क्या निकलता है? अल्कोहल एंड CO2, दैट इज फाउंड इन बैक्टीरिया। इसके अलावा यीस्ट फंगस सुना होगा आपने। यीस्ट के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर ये फिनोमिना देखने को मिलता है। मतलब फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है बट किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन को यूज में नहीं ले रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। दैट इज नोन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ये वाला फिनोमिना जो है ह्यूमन बीइंग में भी देखने को मिलता है। ह्यूमन बीइंग में कब? जब कुछ ह्यूमन बीइंग कुछ हैवी एक्टिविटीज कर रहा हो, लाइक रनिंग, डांसिंग एंड जिम ज्वाइन कर रखे उस वाले सिचुएशन के अंदर। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? बाय प्रोडक्ट में निकालता है लैक्टिक एसिड,
प्लस वाटर प्लस एनर्जी प्लस एनर्जी। राइट, ह्यूमन बींग के अंदर जो भी हैवी एक्टिविटीज़ है उनमें जो नॉर्मल रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिसीव करता है कैंडिडेट वो सफिशियंट नहीं होती है, इसी के चलते जो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी देखने को मिलती है। और ये मसल्स में, कौन सी सेल्स के अंदर, मसल्स की जो सेल्स दोज आर नोन एज मायोसाइट्स, मायोसाइट्स के अंदर जो है ये फिनोमेना देखने को मिलता है। That is all about anaerobic respiration. Anaerobic in the sense absence of air, aerobic in the sense presence of air. That is all about the kinds of respiration. Okay, aerobic और anaerobic की बात कर ली है अपन ने, respiration आपको पता ही है, breathing के बारे में अपन ने बात कर ली है। In the next lecture we will talk about respiratory system, जिसके अंदर अपन respiratory organs के बारे में बात करेंगे। I hope that you have understood. All right, doubt so to aap puch lena. Thanks, have a nice day.